हेलो फ्रेंड्स, दैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। उन्होंने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने 322 ईसा पूर्व को अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से उनके अपमान का बदला लेने के लिए नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। मगध साम्राज्य उस समय 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस पर बैठने के बाद उन्होंने 6,00,000 सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया। हमने ये भी जाना कि उनके जीवन काल के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन मुनि बद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद वो श्रवण बेलगोला के वनों में चले गए। ये वन जो श्रवण बेलगोला है वो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। तो वहाँ पर एक चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, वहाँ पर जाकर उपवास करने लगे, अन्न जल त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद यदि ये वो वीडियो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। आज अपन उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिंदुसार ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व को अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य का बना। मगध की गद्दी पर बिंदुसार बैठ गया और इसी कारण अलग अलग विद्वानों ने बिंदुसार को अलग अलग नामों से उनको जाना है। तो सबसे पहले उनको किन किन नामों से जाना जाता था, किन किन लोगों ने क्या क्या संज्ञा दी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यूनानी लेखक उन्हें संज्ञा या नाम, आप नाम भी बोल सकते हो, यूनानी लेखक ने इन्हें अमित्रो चेडस, अमित्रो चेडस का बिंदुसार को, यानी बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रो चेडस की संज्ञा दी। इसके बाद स्ट्रेबो जो एक यूनानी यात्री था, भारत में आया था यूनानी यात्री स्ट्रेबो ने उनको अलिट्रो कैडस की संज्ञा दी। और तीसरा जो था फ्लीट विद्वान थे, इन्होंने अमित्रघात की संज्ञा दी। इसका जो अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला,
यानी अनेक विद्वानों ने बिंदुसार को अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। सर्वप्रथम जो यूनानी लेखक है उन्होंने इनको अमित्रोचेडस की संज्ञा दी। स्ट्रैबो जो यूनानी यात्री था उन्होंने अरिस्टोटेलस की संज्ञा दी, और जो फ्लीट है उन्होंने इसे अमित्रघात की संज्ञा दी, यानी शत्रुओं का वध करने वाला इनको कहा था। इसके बाद अपन बिंदुसार की उपलब्धियां देखेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपने पिता की तरह एक शक्तिशाली सम्राट बनकर उभरे थे, तो इनकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में कर लेते हैं डिस्कस। इनकी जो पहली उपलब्धि थी, इन्होंने अपने पिता द्वारा जीते गए प्रदेश को यथा अशून बनाए रखा, यानी उन पर किसी सम्राट का अधिकार न होने दिया। जैसा उनके पिता छोड़कर गए थे वैसे ही उनको रखा। तो अपने पिता द्वारा जीते गए प्रदेशों को अक्षुण रखा, आप ऐसे लिख दो कि रखा। इसका अर्थ ये है कि जिस पर जैसे उनके पिता जिन प्रदेशों को जीतकर छोड़कर गए थे वैसे ही बिंदुसार ने उन्हें रखा, यानी किसी सम्राट का उन पर अधिकार नहीं होने दिया। तो बिंदुसार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि कई सम्राट हुए उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो अपने पिता द्वारा जीते गए प्रदेशों को अन्य सम्राट के हाथों में सौंप देते थे, यानी आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया जाता था। लेकिन बिंदुसार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपने पिता की जो यादें थी उनको सजोए रखा। दूसरा एक रचना है दिव्यवधान, दिव्यवधान रचना है, यह एक रचना है। इस रचना में बिंदुसार के समय बिंदुसार के समय तक्षिला में हुए दो विद्रोह है कि जानकारी मिलती है। ये जो तक्षिला में दो विद्रोह हुए थे इनको कुचलने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा। उन सभी ये जो दो विद्रोह थे इनको कुचलने या दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, फिर उसके बाद सुसीम को भेजा था। तो दिव्यावधान में दिव्य, आप दिव्या कर दो इसको, दिव्यावधान में
एक रचना है। इसमें बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए दो विद्रोह की जानकारी मिलती है। इन विद्रोह को बिंदुसार ने कुचलने के लिए पहले अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन के लिए कि ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि तक्षशिला में हुए बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए दो विद्रोह की जानकारी किस रचना में मिलती है, तो आप लिखोगे दिव्या वदा। यदि ऐसे आए कि बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए दो विद्रोह को कुचलने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा, तो आप लिखोगे अपने पुत्र अशोक महान और उसके बाद भी भेजा था सुसीम को। तो इस प्रकार कैसे भी वो क्वेश्चन दे सकता है, आपको उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अपन अब तीसरी उपलब्धि देखते हैं। इनकी तीसरी उपलब्धि क्या रही थी वो देख लेते हैं। इनकी तीसरी उपलब्धि स्ट्रैबो बताता है, जो यूनानी यात्री था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो लिखता है कि एंटियोकस प्रथम, यानी यूनानी जो शासक था एंटियोकस प्रथम, स्ट्रैबो लिखता है कि यूनानी शासक, यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना डाइमैक्स डाइमैक्स मैकस सॉरी डाइमैकस अपना राजदूत भेजा। यह एक राजदूत था, यानी यूनानी स्ट्रैबो जो यूनानी यात्री था जो बात आया था, वो अपने ग्रंथों में ये बताता है कि जो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम था, उसने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स मैकस राजदूत भेजा था। तो यह भी बिंदुसार के महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और बिंदुसार ने एंटियोकस से यह भी प्रार्थना की कि आप वहां यूनान से मदिरा, यानी शराब, ये शराब होती थी मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक राजदूत भेजे। यानी बिंदुसार ने प्रार्थना की एंटियोकस प्रथम से कि आप पास मदिरा भेजे, सूखी अजीर भेजे और एक दार्शनिक राजदूत भी भेजे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि तीसरी उपलब्धि ये थी, स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैकस राजदूत को भेजा। बदले में बिंदुसार ने यह भी प्रार्थना की कि आप मदिरा, सूखे अजीर में एक दार्शनिक राजदूत भेजने की कृपा करें। ये बिंदुसार ने, और ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि कोई शासक यदि आपके दरबार में अपना राजदूत भेज रहा है, तो कुछ तो उस बंदे के अंदर है, यानी बिंदुसार के अंदर कुछ तो काबिलियत
रही होगी। तो अपन चौथी जो उपलब्धि है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो चौथी उपलब्धि है, एक मिस्र के राजा थे, चौथी उपलब्धि उनकी है, मिस्र के राजा उनका नाम था फिला डेल्फस। फिला डेल्फस इसे दूसरा नाम इनका है टालमी, टालमी द्वितीय, इनका दूसरा नाम है टालमी द्वितीय। इन्होंने बिंदुसार के दरबार में, यानी बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा। इस राजदूत का नाम डायोनिसस, डायोनिसस राजदूत का नाम था। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय भी कहा जाता है, इन्होंने बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, जिसे डायोनिसस कहा जाता है। तो यदि यहाँ भी क्वेश्चन उठ सकता है, यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे या कंपटीशन हो या वायु की जो हिस्ट्री में यदि क्वेश्चन आए, तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, उसका नाम बताइए। तो आप बताओगे डायोनिसस। यदि ये पूछा जाए कि मिस्र के राज वह कौन से राजा थे जिन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस राजदूत भेजा था, तो आप बताओगे फिलाडेल्फस। और एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था, तो आप बताओगे डायोनिसस। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बिंदुसार के बारे में जाना, थोड़ी बहुत जानकारी और उनकी जो उपलब्धियाँ थी, जितनी किताबों में दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, मैंने वो सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब अपन अगली वीडियो में अशोक मान के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। आप अगली वीडियो देखना ना भूलें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।